जो दरोगा जी ने हमारी अब तक न सुनी वो सस्पेंड होनी चाहिए, और जो जो लड़की ने कार्रवाई कर जो लिख के दिया सुसाइड के समय उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, लड़की ने फिर फोन करा है तो लड़की से कहते ही कि जा तेरे बाप ने पकड़ के ले जाएंगे हम, और हमारे पास धमकी गई सचिन दरोगा ने कि तुम्हारे तीनों भाइयों के नाम है, तुम आओ ना तो बंद उठा देकर बंद कर दूंगा तुम थाने आए तो। यह रिश्तेदार हैं उस लड़की के जिसने की लंपटों के डर से पढ़ाई छोड़ी, फिर अकेले रहना शुरू कर दिया और अब जिंदगी खत्म कर ली है। घटना रविवार की शाम की है जब 12वीं में पढ़ने वाली उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की इस लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले ऐसा नहीं है कि इस परिवार ने उन लंपट लड़कों के खिलाफ शिकायत नहीं की, खूब शिकायत की, तीन तीन जगहों पर शिकायत की, एसएसपी के यहाँ गए, थाने में गए, सीओ के यहाँ गए, सब जगह शिकायत की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब जब सुनवाई तब हुई है जब मौत को लड़की ने गले लगा लिया है और बाकायदा उसने अपने सुसाइड नोट में पुलिस थाना के इंचार्ज सचिन मलिक का नाम लिखा है, जिसके बारे में परिजन भी जिक्र करते हैं और बहुत साफ कहते हैं कि जितने बड़े अपराधी इस मामले में वह लंपट लड़के हैं जिन्होंने लड़की का पीछा किया, हैरेस किया, रेप की कोशिश की, उससे कम बड़ा अपराधी ये सचिन मलिक नहीं है जिसको पुलिस ने सिर्फ सस्पेंड किया है। पूरी बात सुनिए परिजनों की लड़की के कि वो क्या कहते हैं, लेकिन यह बातचीत सुनते हुए आप हमेशा याद रखिएगा कि वह एसएसपी के यहाँ गए, सीओ के यहाँ गए, थानेदार के यहाँ गए, आखिर न्याय मांगने अब चौथी कौन सी जगह इस परिजन को जाना था जहाँ लड़की की जान बचनी थी। जब सरकार कहती है, योगी कहते हैं कि हमने सब कुछ चाक चौबंद कर दिया है, हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, गुंडे मवालियों को दुरुस्त कर दिया है, तो क्या इस गिनती में ये सब परिवार नहीं आते हैं जिनके यहाँ रोज़ घटनाएँ घट रही हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार हर रोज़ हर वक्त हर मिनट कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न किसी न किसी लड़की का, महिला का, बूढ़ी का, जवान का हो रहा है, और पुलिस थाने का रवैया ठीक वैसा है 99% मामलों में जो सचिन मलिक का है, बिल्कुल अपराधियों की तरह। तो सवाल है कि बाबा सिर्फ नारे देंगे, बाबा सिर्फ भाषण देंगे, बाबा सिर्फ बातें कहेंगे, तो क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, या फिर मुरादाबाद की इस लड़की की आह योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगी और पुलिस वालों को इस कदर वह टाइट करेंगे जिससे कि एक नए यूपी का उद्भव होगा। सवाल यही है कि सिर्फ बातें बनाने में ही पूरा प्रशासन लगा है, अखबारों में आंकड़े छपवाने में लगा है, पेड़ पत्रकारों से अपना गुणगान कराने में लगा है, लेकिन सच यही है जो इन अखबारों में हर रोज़ छप रहा है, हम रोज़ अपनी नंगी निगाहों से देख रहे हैं, और इस मुरादाबाद की बेटी की तरह हर रोज़ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हर रोज़ लोग, लड़कियाँ पीड़िताएँ जान दे रही हैं। बड़ी बात यह है कि इस बच्ची ने स्कूल छोड़ दिया था। ये हुआ कि लड़का होली वाले दिन घर पे आया, लड़की को खींचने लगा। हम सब लोग दूसरे घर थे, मिलने गए थे, हमारा घर कुछ दूर में है हमारे भाई साहब का, और जब हमारे पता चला हम पहली तरफ से आए तो हमने उस लड़के से जो मना करी और कही उससे भाई तूने ऐसा क्यों करा और क्यों तू हमारी लड़की खींच रहा है, तो वो तमंचे लेकर दिखाने लगा, कहने लगा जान से मार दूंगा साले, जानता नहीं है, है? और लड़की कितनी भी धमका रहे थे, तो हमने कहा अच्छे ले अभी देख तू देखा हम क्या करते हैं, वगैरह तू क्या कर लेगा हमारा, मैं तो पैसे मैं ऐसा कर दूंगा। तो उसके बाद जो हम थाने गए हमने जो रिपोर्ट लिखी, जो थाने जो महिला हैं उन्होंने हमसे रिपोर्ट लिखवाई, और हमने रिपोर्ट लड़की ने खुद रिपोर्ट लिख के दी थी उन्हें महिला थाने। अब ये हुआ कि हम अच्छे खासी लेकर आए थे और रात हमारी पता भी नहीं बेंट कैसी हालत हुई, कैसे ने आईसीयू में डाल दिया, और अब लड़की बिल्कुल सही बोल रही थी, अब 4 बजे हमसे कहती कि उसकी डेड हो गई। अब और हमसे रात से लेकर कह रहे थे कि सिगरे मुंजिम पकड़े गए, जिन जिन के खिलाफ लड़की ने सुसाइड करते हुए नाम लिखे थे सब पकड़े गए, अभी तो कोई भी नहीं पकड़ा गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि
जो दरोगा जी ने हमारी अब तक न सुनी वो सस्पेंड होनी चाहिए, और जो जो लड़की ने कार्रवाई कर जो लिख के दिया सुसाइड के समय उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको एसएसपी से मिले थे क्या? हाँ रात मिले थे हम। उससे पहले कभी कोई एप्लीकेशन दी? जी जी हमने तीन जगह एप्लीकेशन दी थी, एक कप्तान साहब के द्वारा दी थी, बिलारी सीओ साहब के द्वारा दी थी हमने, और एक थाने में दी थी, और एक जगह और शिकायत करके आए थे हम। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लड़की ने फिर फोन करा है तो लड़की से कहते ही जा तेरे बाप ने पकड़ के ले जाएंगे हम, और हमारे पास धमकी गई सचिन दरोगा ने कि तुम्हारे तीनों भाइयों के नाम है, तुम आए हो ना तो बंद उठा देकर बंद कर दूंगा तुम थाने आए तो। लड़की इंटर में पढ़ती थी। अब हम ये चाहते हैं न्याय मिले, जो जिस दरोगा ने आज तक हमारी सुनी ना, क्या बताए और कोई लड़की की सुने ना सुने, इसलिए हम चाहते हैं बस सस्पेंड ही होए। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हो और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में शामिल हो। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।